जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आज हम आपके सामने भारत रत्न का संभवतः अंतिम भाग लेकर के आए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं वे व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ उनके बारे में। तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत रत्न कुल 48 लोगों को, अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है, प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ में दोस्तों यदि हम बात करें कि क्या हमें इन 48 लोगों के नाम याद रखना आवश्यक है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। यदि बात करें दोस्तों हम विभिन्न प्रकार के PCS परीक्षाओं की, तो निरंतर वहाँ से जो प्रश्न देखने मिल रहे हैं यदि हम उनकी बात करें दोस्तों, तो उसमें भारत रत्न को लेकर के कुछ इस हिसाब से प्रश्न आते हैं कि भाई निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ, तो वहाँ पे बहुत आवश्यक हो जाता है। IAS के भी यदि आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे दोस्तों, तो उसमें भी ठीक इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए हैं। वहाँ बहुत आवश्यक होता है कि हमें भाई ये पता हो कि वो 48 लोगों की जो भी नाम है उनके विषय में पता हो, है ना। अच्छा, यदि बात की जाए वनडे एग्जामों की दोस्तों, तो वनडे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप 48 नाम याद रखें। फिर भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भाई ये जो 48 नाम है ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैसे ही हमें वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, है ना। हालांकि इन्हें याद नहीं करना होता है, बस आप उनके महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते चलें, वो ऑटोमेटिक स्वतः ही होते चले जाते हैं याद। तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं कि भाई यदि कुल 48 है ना, अब तक कुल कितने लोगों को दिया गया है, 48 लोगों को दिया गया है। तो 48 में से सबसे पहली बात कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1954 में, और वो हमने भाग एक में बढ़िया व्यवस्थित तरीके से बताया हुआ है कि भाई कब इसका प्रारंभ हुआ और क्या क्या इसके मापदंड वगैरह थे। बात की जाए 1954 की दोस्तों, तो 1954 में जो भारत रत्न है यह प्रारंभ में 3 लोगों को दिया गया, ठीक है। कितने? 3 लोगों को भारत रत्न जो है दिया जाता है। अब वो 3 के नाम हमें याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने अपने पहले वीडियो में बताया भी हुआ है कि भाई इसे हम कैसे याद रखें। तो RRR, ठीक है। RRR कैसे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद बात की जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और एक और कौन? CV रमन। तो ये हो गए 3rd नंबर पर। अब बात यह आती है कि भाई अब आगे के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं दोस्तों, तो देखिए बात को समझिएगा आप। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की यदि हम बात करें, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, प्रथम व्यक्ति। प्रश्न पूछा जाएगा कि पहले कौन, सबसे मतलब आपका एक प्रश्न तो ये होगा भाई कि निम्नलिखित में से किसे, तो सबसे पहले तो ये 3, लेकिन अब इन तीनों में भी पहले किसे, तो इन तीनों में भी पहले किसे प्रदान किया गया है, तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, इनके विषय में कुछ अतिरिक्त तथ्य हैं दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आगे चल करके ये जो होते हैं राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंचते हैं, लेकिन उस समय पर ये उपराष्ट्रपति पद पर थे, ठीक है। किस पद पर थे? तो उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति पद पर पहुंचने से पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो भी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक एक ये हमारा हो गया दोस्तों, एक डाटा यहाँ पे कंप्लीट। फिर इसके बाद बात की जाए दूसरे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की, तो CRGGopalachari भी इन्हें कहा जाता है ना। स्वतंत्र भारत के एकमात्र और अंतिम गवर्नर जनरल, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। स्वतंत्र भारत के CRGGopalachari जी कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम या एक मतलब एकमात्र और अंतिम गवर्नर जनरल। इनके विषय में दोस्तों बहुत कुछ खास नहीं, बस आपको ये याद रखना है भाई कि मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास राज्य के ये CM भी रहे, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1937 से 39 तक, और उसके बाद मद्रास राज्य की यदि बात की जाए तो 1952 से लेकर के 54 तक ये वहाँ पर क्या रहे, तो CM के पद पर भी ये वहाँ पर पदस्थ थे। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों हमारे जो तीसरे हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता, 1954 में जब 3 लोगों को दिया गया, तो तीसरे हैं दोस्तों CV रमन, ठीक है, रमन। अब रमन का नाम तो हमने सुना ही है। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू दोस्तों, क्या? इनके क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने पहली वीडियो में ही चर्चा की है कि भाई भारत रत्न किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बात को समझिएगा। राधा कृष्णन जी की यदि बात की जाए तो इनका क्षेत्र है दोस्तों कि ये दार्शनिक, शिक्षक, है ना, साथ ही साथ में समाजसेवी। CRGGopalachari समाजसेवी। CV रमन की यदि बात करें दोस्तों, तो रमन प्रभाव के लिए, है ना, रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में नोबल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। एक बात हो गई। अच्छा, रमन प्रभाव से ही स्पष्ट हो रहा है कि इन्हें किस क्षेत्र का दिया गया, तो विज्ञान के क्षेत्र में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले वैज्ञानिक, मैंने ये एक और फैक्ट निकल कर क्या रहा है, क्या कि पहले व्यक्ति कौन? राधाकृष्णन। सर्वप्रथम जो 3 व्यक्ति थे उनके नाम भी स्पष्ट हैं। और इसके बाद यदि बात की जाए कि भाई पहले वैज्ञानिक कौन, तो पहले वैज्ञानिक है दोस्तों CV रमन। CV रमन के विषय में 2 तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। रमन जी के विषय में महत्वपूर्ण है कि 28 फरवरी 1928 को इन्होंने कोलकाता में रमन प्रभाव की
को लाया इन्होंने, ठीक है, रमन इफेक्ट जो है, और इसी के चलते इन्हें 1930 में नोबल पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। अब अगली बात यदि की जाए दोस्तों, तो 28 फरवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन फिर क्या किया गया, तो आगे चल करके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। और क्यों मनाया गया, इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि इन्होंने 28 फरवरी को क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों, एक और दिन महत्वपूर्ण है राधाकृष्णन जी से यदि बात करें तो 5 सितंबर का दोस्तों इस दिन क्या मनाया जाता है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और ठीक ऐसे ही एक दिवस हम और यहाँ पर याद रख सकते हैं, 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारे प्रारंभ के 3 जो भारत रत्न प्राप्त करता है उनके विषय में। हालांकि हमने पूरी डिटेल नहीं कवर की है, लेकिन ठीक है, आगे आने वाले दिनों में जैसे ही हमने आपसे पहले ही कहा है कि भाई हम एक क्या करेंगे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की एक सीरीज प्रारंभ करेंगे, और उसमें हम इनकी फिर से चर्चा करेंगे, जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं या जो भी महत्वपूर्ण थे सभी लोगों की जो है हम चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका 3। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, देखिए 48, मैंने कहा 48 में से ऑटोमेटिक वो याद होते चले जाएंगे, तो 3 कौन हो गए, RRR, राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और रमन। याद रखने का तरीका आपके सामने है कि भाई आपको RRR से याद रख लेना है, एक हो गया। दूसरी चीज़, मान लीजिए यदि याद नहीं हो रहा है, तो हम यदि कृष्ण जी की बात करें दोस्तों, कृष्ण जी की, तो कृष्ण जी कौन थे, गोपाल, ठीक है। तो राजगोपालाचारी गोपाल कृष्ण जी, और राधा तो कृष्ण से संबंधित ही है, तो राधा कृष्णन गोपालाचारी। अच्छा, राधा हो या गोपियाँ हों, तो रमन, तो कृष्ण जी की बांसुरी में जो है उसकी धुन सुन करके रम जाती थी, है ना, तो रमन, राधा, कृष्ण और गोपाल, ये सारे जो है आपके 3 याद हो गए। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, 48 में से 3 यहाँ कंप्लीट। अब बात की जाए कि भाई वो तो प्रारंभ के थे, अभी अंतिम दफ़ा कब दिया गया, तो 2019 वह सन है जब लास्ट टाइम 3 लोगों को फिर से भारत रत्न दिया गया, और वो 3 कौन है दोस्तों, तो वे हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। तो 3 और 3 हमारे 6। अब बात की जाए प्रणब मुखर्जी की दोस्तों, तो प्रणब मुखर्जी कौन थे, तो फिर से मैं आपसे वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि भाई आपको इनके क्षेत्र जरूर याद रखने हैं कि इनका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो अगर बात की जाए प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी का क्षेत्र था समाज सेवा। अच्छा, दूसरी चीज़, 13वें राष्ट्रपति रहे भारत के। साथ ही साथ में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू मरणोपरांत वाला, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले आप बात को समझिएगा कि भाई प्रणब मुखर्जी नंबर 1, नंबर 2 पर नानाजी देशमुख और नंबर 3 पर कौन है, भूपेन हजारिका। 2019 में जब प्रदान किया गया, याद रखिएगा, है ना, 19 यहाँ प्रारंभ में है और 19 यहाँ अंत में है, ठीक है। 1954 से प्रारंभ और 2019 में इसका जो है अंत तो नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम 2019 में दिया गया। तो 3 और 3 6 हमारे क्लियर हो रहे हैं। प्रणब मुखर्जी दोस्तों हमारे क्लियर हैं। फिर नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका की यदि बात की जाए दोस्तों, तो नानाजी देशमुख भी कौन है, समाज सेवी ही है, ठीक है, थे समाज सेवी। भूपेन हजारिका की यदि बात की जाए दोस्तों, तो इनका संबंध था, इनका जो क्षेत्र था वो था कला में संगीत से। फिर बहुत इंपॉर्टेंट मरणोपरांत, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, हालांकि हमने भाग 2 या भाग 1 दोनों आप देखिएगा, उनमें हमने डिस्कस किया हुआ है। भाई क्या डिस्कस किया हमने कि मरणोपरांत कब से प्रारंभ किया गया, तो प्रारंभ में 1954 में जब इसकी शुरुआत की गई तब जो है मरणोपरांत नहीं दिया जा रहा था, 1955 से दिया स्टार्ट किया गया इसका, है ना, प्रारंभ किया गया। और ऐसा पहला कब दिया गया, तो मरणोपरांत प्रथम ऐसा दिया गया 1966 में। किसे दिया गया, शास्त्री जी को। ये आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहले वैज्ञानिक कौन, तो रमन, ठीक है, पहले व्यक्ति कौन, राधाकृष्णन, और उसके बाद बात की जाए प्रथम मरणोपरांत कौन, तो बात आंसर क्या जाएगा, शास्त्री जी। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, ये इन दोनों को मरणोपरांत मिला है दोस्तों, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई 48 में कुल कितने लोगों को मरणोपरांत मिल चुका है, तो 48 में दोस्तों कुल 14। हालांकि आप देखेंगे तो मैंने 14 के ब्रैकेट में 15-1 लिखा हुआ है। इसका कारण क्या है, आप बात को समझिएगा। यदि हम बात करें कि भारत रत्न मरणोपरांत घोषित करने का, कि घोषणा करने का कि इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा, तो ऐसे 15 लोग थे। दरअसल में हुआ कुछ ये यूं था कि भाई 1992 के समय में सुभाष चंद्र बोस जी को भी मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई कि हम इन्हें भी भारत रत्न प्रदान करेंगे। फिर आगे चल करके ये होता है दोस्तों कि चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी जो मृत्यु थी वो विवादित होती है ना, विवादित मृत्यु थी इनकी, मृत्यु के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई नहीं, तो मृत्यु विवादित होने के चलते दोस्तों यह सम्मान वापस ले लिया गया।
और वापस लेने का मतलब यह है कि जो घोषणा, अब घोषणा तो कर दी गई है कि भाई भारत रत्न प्रदान किया जाएगा, लेकिन अंततः नहीं किया गया। तो घोषणा कितने लोगों की हुई है मरणोपरांत, तो 15, लेकिन प्राप्त कितने लोगों को हुआ है दोस्तों, तो वो हुआ है कुल 14। और 14 में भी प्रथम कौन है, शास्त्री जी, और अंतिम कौन है अभी लेटेस्ट, तो वो मिला है नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। अब बात की जाए प्रणब मुखर्जी की दोस्तों, तो प्रणब मुखर्जी जो है वो 13वें राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, 13वें क्रम के राष्ट्रपति रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हाल ही में कुछ ही दिनों पहले की बात है, लगभग साल डेढ़ साल पहले की बात है, 31 अगस्त 2020 को कोविड का जो दौर चल रहा था उस समय पे, ठीक है, कोविड से संबंधित कुछ जटिल समस्याओं के चलते इनका निधन हो गया, ठीक है। तो आप इसे नोट रखिएगा कि भाई कोविड के चलते इनका निधन हुआ था 31 अगस्त 2020 को, लेकिन जब इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ तो वो जीवित अवस्था में थे। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर होता है समाप्त। सुभाष चंद्र बोस भी आप याद रखिएगा कि भाई मरणोपरांत जब दिया गया, मतलब मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, तो 14 लोगों को, और घोषणा कितनों की हुई है, तो 15 लोगों के लिए हुई है। और 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी का जो है मरणोपरांत देने की घोषणा की गई, लेकिन विवादास्पद होने के चलते, मृत्यु जो है वह विवादास्पद थी, इस कारण से क्या किया गया कि यह सम्मान वापस ले लिया गया। और ऐसा यह प्रथम जो है केस था, ऐसा पहली बार ऐसी हुई घटना है भारत रत्न के पूरे अपने दौर में। अब आगे यदि हम बात करें दोस्तों कि भारत रत्न लेने से मना करने वाले भी एक व्यक्ति थे, इसके पीछे क्या कहानी है दोस्तों, तो समझिएगा आप, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें मरणोपरांत 1992 में प्रदान किया गया भारत रत्न। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यह है दोस्तों कि जिस समय पे इन्हें दिया गया, मतलब इन्होंने लेने से मना किया। अब लेने से मना कब किया, लेने से मना तब किया कि जब घोषणा कर की गई, जो कमेटी होती है उन्होंने डिसाइड किया कि एक नाम ये भी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, हम आपको भारत रत्न के लिए जो है आगे ला रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपना नाम वापस ले लिया, यानी लेने से ही, भारत रत्न को घोषणा होने के पहले ही मना कर दिया। उसका कारण ये था दोस्तों, क्योंकि उनका ये मानना था कि उस कमेटी में, जिस कमेटी में मैं सम्मिलित हूँ, और अगर मुझे ही भारत रत्न दिया जाए तो ये मेरी नज़र में खेत का विषय है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यह गलत है ना। तो उन्होंने उस समय पर मना कर दिया, और आगे चल करके मरणोपरांत 1992 में इन्हें भी भारत रत्न प्रदान किया गया। अब बात आती है दोस्तों हमारे 48 में से कुछ महिलाएं, है ना, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कुल कितनी महिलाओं को भारत रत्न प्राप्त हुआ। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 में से हमने तीन सबसे पहले पढ़ लिए, इसके बाद हमने तीन सबसे लास्ट के पढ़े, तीन तीन दोस्तों हमारे हो चुके हैं, छह नाम हमें वैसे ही याद हो गए। उसके बाद बात की जाए शास्त्री जी, एक नाम हो गए, सात, और फिर अभी हमने देख लिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि 8। तो 48 में से 8 दोस्तों क्लियर हो गए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे ही वीडियो आप देखते चले जाएंगे, इसके अंत तक में आपको आधे से ज़्यादा जो है नाम वो लिस्ट क्लियर हो चुकी होगी। इसके बावजूद यदि आप PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि आपको वो 48 नाम जो है आपके दिमाग में लगभग रन कर रहे हो, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों महिलाओं की, तो कुल कितने महिलाओं को जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो अब तक कुल पांच महिलाओं को हुआ है, जिसमें सबसे पहले नाम किसका आता है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद मदर टेरेसा 1980, मदर टेरेसा वाली जो कहानी है ये हमने पहले ही बताई हुई है भाग दो में कि भाई 1977 में क्या होता है, तो 1977 में भारत रत्न बंद कर दिया जाता है देना, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार आती है और वो रोक लगा देती है, और फिर 1980 में पुनः जो है क्या होता है, कांग्रेस सरकार इस रोक को या इस निलंबन को बहाल कर देती है। और ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो मदर टेरेसा को। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि भाई जब भारत रत्न निलंबित किया गया और इसके बाद जब पुनः प्रारंभ किया जाता है, तो सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो सर्वप्रथम किसे दिया गया दोस्तों, मदर टेरेसा को 1980 में। तो महिलाओं में दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम किस महिला को प्रदान किया गया, तो इंदिरा गांधी, फिर इसके बाद मदर टेरेसा, इसके बाद दोस्तों अरुणा आसफ अली, इन्हें भी 1997 में प्रदान किया गया। अब बात ये आती है कि भाई इनके क्षेत्र क्या है, तो समझिएगा इन तीनों के क्षेत्र भी क्या है दोस्तों, तो इन तीनों के भी क्षेत्र हैं समाज सेवा। इनके भी क्षेत्र क्या है, समाज सेवा। आप नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि भाई समाज जो भी क्षेत्र वगैरह हैं वो आप नोट करते चलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों एक बार मैं फिर से साझा करना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, शिक्षक से भी कई दफ़ा गलतियाँ होती हैं, तो यदि किसी कारणवश कुछ फैक्चुअल मिस्टेक हो गई हो तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिएगा और जानकारी दीजिएगा, है ना। लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है दोस्तों हमने अपने टेलीग्राम की भी लिंक दी हुई है, साथ ही दोस्तों हमारा जो है संस्थान का व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर अवेलेबल है, आप उसमें जानकारी दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि भाई गलतियां तो निहित है, मानवीय भूल है, होती ही है ना। चलें अब हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो तीन नाम हमारे यहां पर क्लियर हैं, चौथा नाम जो है वह है MS सुब्बा लक्ष्मी, और पाँचवा नाम है दोस्तों लता मंगेशकर। तो ये पाँच महिलाएँ हुई हैं
बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे प्रश्न जो है आने की संभावना 100% है, प्रबल संभावना। उसका कारण क्या है, क्योंकि हाल ही में 6 फरवरी 2022 को इन 5 महिलाओं में से एक महिला जो है लता मंगेशकर, इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या और चीज़ें इसमें से महत्वपूर्ण है। तो MS सुब्बा लक्ष्मी, देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें एक बार फिर से, महिलाओं में प्रथम किसे प्रदान किया गया, तो इंदिरा गांधी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज, जब भारत रत्न बीच में निलंबित किया गया 1977 में और पुनः प्रारंभ किया गया तो किसे प्रदान किया गया, तो मदर टेरेसा, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद अरुणा आसफ अली, आपको याद रखना ही होगा। MS सुब्बा लक्ष्मी की यदि बात की जाए दोस्तों, तो इनका जो क्षेत्र है, इन तीन का क्षेत्र क्या था प्रारंभ के तीन का, समाज सेवा। अब बात की जाए MS सुब्बा लक्ष्मी और लता मंगेशकर, तो इन दोनों का जो क्षेत्र है दोस्तों वो है कला, कला में संगीत, ठीक है। अब बात की जाए कि MS सुब्बा लक्ष्मी स्वामी जी की, तो समझिएगा आप, इसे नोट रखिएगा कि प्रथम संगीतकार हैं ये, पहली संगीतकार हैं जिसे, जिन्हें क्या मिला है, प्रथम संगीतकार महिला जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ 1998 में। फिर इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से इनके विषय में जो फैक्ट है वह है 1974। हालांकि मैं आपको फिर से यहाँ पर बता दूं एक बात कि यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका काम इन पांच के नाम याद रखने से ही हो जाएगा, आपको इससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप इच्छुक हैं, है ना, विद्यार्थी मन जो है भाई चंचल होता है, कई बार गहराई में जाने का मन करता है, बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ने की इच्छा होती है ना, तो ऐसा यदि इच्छा है तो आप इसे कवर कर सकते हैं, कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है, लेकिन PCS वालों को बहुत आवश्यक है। 1974 में दोस्तों इन्हें रेमन मैक्सेसे पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, और बहुत इंपॉर्टेंट, रेमन मैक्सेसे पाने वाली ये प्रथम भारतीय संगीतकार हैं, प्रथम महिला भारतीय संगीतकार। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली ये पहली भारतीय हैं, प्रथम भारतीय महिला हैं। तो सारी चीज़ें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। MS सुब्बा लक्ष्मी स्वामी जी की 1998 में इन्हें क्या दिया गया, भारत रत्न प्रदान किया गया। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अंतिम महिलाओं में लता मंगेशकर, लता मंगेशकर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2001 में इन्हें जो है यह अवार्ड दिया गया, लता दीदी स्वर कोकिला इनका दोस्तों उपनाम है। बाकी दोस्तों इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे आगे चलकर के दोस्तों, महत्वपूर्ण जो सीरीज आएगी व्यक्तित्व की उसमें हम सम्मिलित करेंगे इन्हें भी। साथ ही साथ में दोस्तों अब इनसे क्या एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, तो वह है 6 फरवरी 2022, है ना, 1929 याद रखें तो भी अच्छा है कि भाई 1929 में क्या होती है, इनकी इनका जन्म होता है वो भी कहाँ पर, इंदौर में। और इसके बाद बात की जाए दोस्तों कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 6 फरवरी 2022 को मुंबई में। यहाँ पर दोस्तों हमारे जो है पाँच महिलाएं जो महत्वपूर्ण है इनकी भी, इनका नाम यहाँ पर क्लियर, इनके विषय में हमने देखा। तो अभी तक हमने जो देखा हुआ है, तीन स्टार्टिंग के, तीन अंत के, और पांच यहाँ हो चुका है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों कुछ विदेशी, है ना, उनसे भी प्रश्न होगा कि बोले सर्वप्रथम किस विदेशी को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी की यदि बात की जाए दोस्तों, तो बात को आप समझिएगा, अगर हमें विदेशी को देना है तो हम सबसे पहले, ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ ना, अब विदेश हमारे लिए पाकिस्तान भी हो गया, पहले तो हमारा ही था, ठीक है, लेकिन फिर बाद में विदेश हो गया एक हिसाब से कहा जाए, तो प्रथम विदेशी तो हम किसे दें, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई उसे दें जो कहीं ना कहीं अपना भी था, पहले तो अपना ही था ना, है ना, तो हमने कहा उसी को देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक जो प्रसंग है उसको आप समझिएगा कि कैसे ये कारवा शुरू हुआ कि हम विदेशियों को भी देना स्टार्ट कर दिए। विदेशी मतलब समझिएगा, अब आपके दिमाग में एक और पहलू आ सकता है कि भाई मदर टेरेसा, दरअसल में दोस्तों मदर टेरेसा जो है इनका जन्म बाहर हुआ लेकिन इन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, है ना, तो जब इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली है तो स्वाभाविक सी बात है कि अब ये विदेशी मतलब गैर भारतीय नहीं है, अब ये भारतीय हैं, भारतीय नागरिकता इन्होंने ली हुई है, लेकिन विदेशी मतलब गैर भारतीय, एक प्रश्न गैर भारतीय करके भी आ सकता है, तो इसे भी आप नोट रखिएगा कि भाई विदेशी या गैर भारतीय। तो गैर भारतीयों में दोस्तों जो है प्रथम कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें दोस्तों 1987 में दिया गया। और ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है उसको आप समझिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, दोस्तों इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बात को समझिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, है ना, आप पिक देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है दोस्तों कि अब आपके सामने जो भी नाम लिए जा रहे हैं, है ना, उनकी जो है एक, उनका एक छाया चित्र यहाँ पर जो है आपको प्रदर्शित किया जा रहा है आपके सामने, है ना। तो खान अब्दुल गफ्फार खान की यदि बात की जाए दोस्तों, तो पाकिस्तान 1987, मैंने कहा था कहानी इनकी रोचक है दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि 1885 वह दौर था, वह समय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई, स्थापना की गई, ठीक है। तो कांग्रेस का यह जो है शताब्दी वर्ष था, क्योंकि 1885 से 1985 शताब्दी वर्ष में दोस्तों, अब देखिए बात को समझिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान का क्षेत्र कौन सा है, तो इनका क्षेत्र भी है समाज सेवा। और समाज सेवा साथ ही साथ में दोस्तों ये जब
अगर हम एक बात करें कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन की यदि हम बात करें, तो उस दौरान जो है ये भारत, क्योंकि भारत उस समय पे जो है पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था, तो एक ही था। तो कहीं ना कहीं यदि बात की जाए दोस्तों, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है यह अवार्ड देने का एक प्रमुख कारण ये भी है। अच्छा, 1985 में इन्हें ये जो है भारत आते हैं, और कब आते हैं, तो कांग्रेस की स्थापना दिवस या शताब्दी स्थापना दिवस का जो शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट किया जा रहा है उसमें। फिर बात की जाए कि भाई कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के हैं, और इन्हें क्या कहा जा रहा है, इन्हें सीमांत गांधी के उपनाम से पुकारा जाता है। सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है दोस्तों, उसके पीछे का कारण क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे देता हूँ, दरअसल में ये भी क्या थे, गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे, यानी कि गांधी जी यानी कि गांधीवादी विचारधारा में ही चलते थे ये, ठीक है। चलिए इसके बाद बात की जाए दोस्तों, दूसरे व्यक्ति कौन है, तो दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, और बहुत इंपॉर्टेंट एक है सीमांत गांधी विदेशी, और दूसरे विदेशी जो है गैर भारतीय हैं वो कौन है, नेल्सन मंडेला, जो कि जिनका उपनाम क्या है, तो अफ्रीका के गांधी। और इन्हें कब दिया जाता है, तो इन्हें दिया जाता है 1990 में। अच्छा, आप लूशेंट में जो है विविध में टेबल नंबर 43 ओपन कर सकते हैं, उसमें सारे नाम क्रम से दिए हुए हैं, और क्लिक करते जाइएगा, एक टिक करते जाइएगा कि भाई ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, है ना। फिर बात की जाए 1990 में नेल्सन मंडेला यहां पर होते दोस्तों समाप्त, और विदेशी गैर भारतीय जो है कुल दो लोग हुए। इनके अलावा दोस्तों एक नाम और आपके दिमाग में आएगा, मदर टेरेसा, ऑप्शन में जरूर होगा आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आप समझिएगा मदर टेरेसा ने दोस्तों भारतीय नागरिकता जो है ग्रहण कर ली थी। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, यदि मदर टेरेसा जी के विषय में आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए है, तो आपके जो है विविध के प्लेलिस्ट में हमने महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों की एक सीरीज बनाई हुई है, वहां पर आपको मदर टेरेसा जी के विषय में और डेप्थ से जानने का मौका मिलेगा। तो इसके बाद दोस्तों विदेशी नागरिक जो है गैर भारतीय हैं, इनके बाद हम देखने जा रहे हैं नोबल प्लस भारत, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें नोबल के साथ साथ में भारत रत्न या भारत रत्न के साथ साथ में नोबल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब बात की जाए दोस्तों ऐसे लोगों की, तो ये इनकी संख्या है 3+1, 3+1 का मतलब है दोस्तों 4, और आप अंदाजा लगा चुके होंगे चूंकि हमने पहले भी बताया हुआ है 15-1, तो वहां भी कुछ कहानी थी, ठीक ऐसे ही यहां पर भी कुछ कहानी है। और कहानी क्या है दोस्तों, तो कहानी कुछ इस हिसाब से है कि भाई तीन जो है वो भारतीय हैं, और एक जो है ये कौन है, गैर भारतीय है। गैर भारतीय व्यक्ति दोस्तों ये है मंडेला, और तीन की बात की जाए तो वो है रमन, टेरेसा और अमर्त सेन। दोस्तों यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई जो हमारे भारतीय हैं, इन्हें पहले नोबल प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, और जो विदेशी है दोस्तों गैर भारतीय हैं, उन्हें पहले भारत प्राप्त हो जाता है भारत रत्न, और उसके बाद उन्हें क्या प्राप्त होता है, नोबल प्राप्त होता है। तो देखें यहां पर दोस्तों, नोट कीजिएगा, रमन की यदि बात की जाए दोस्तों, तो इन्हें 1930 में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है सीवी रमन के बारे में कि 1954 में तीन लोगों को दिया गया, RRR, राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तो रमन को 1954 में दिया गया था, ये हमने पहले पढ़ लिया है। और उससे भी पहले एक और चीज हमने जान लिए दोस्तों कि रमन प्रभाव की जो इन्होंने खोज की थी 28 फरवरी 1928, तो रमन प्रभाव के लिए ही इन्हें क्या है 1930 में दिया गया है नोबल पुरस्कार। तो नोबल पुरस्कार इन्हें दिया गया 1930 में, और इसके बाद इन्हें दिया गया क्या, भारत रत्न 1954 में। फिर बात की जाए दोस्तों टेरेसा की, तो टेरेसा के विषय में आप समझिएगा 1979 की हम बात करें दोस्तों, तो 1979 वह समय है जब 1977 से 80 के बीच में भारत रत्न निलंबित किया गया है, और 1980 में इन्हें दिया गया, ये हमने अभी अभी देखा है। तो इन्हें जस्ट एक साल पहले क्या कर दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो 1900 आपका जो है 1979 जो है इसमें क्या किया जा रहा है, नोबेल पुरस्कार, और 1980 में 1980 में इन्हें भारत रत्न। फिर बात की जाए अमर सेन की दोस्तों, तो ये कौन है, इनका क्षेत्र क्या है, तो अर्थशास्त्र इनका क्षेत्र है। बाकियों का क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो रमन का क्षेत्र हमें पहले ही पता है कि विज्ञान, और बात की जाए टेरेसा की तो समाज सेवा, और अमर सेन की बात की जाए दोस्तों तो इनका क्षेत्र है अर्थशास्त्र, ठीक है। इन्हें दिया गया है 1998 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार, और 1999 में भारत रत्न। तो यहां पर दोस्तों नोबेल और भारत रत्न दोनों पाने वालों की जो है एक लिस्ट कंप्लीट होती है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 4, 3 है भारतीय, और एक कौन है विदेशी या गैर भारतीय। और गैर भारतीय में मंडेला जो है दोस्तों, इन्हें 1990 में दिया जा चुका है क्या भारत रत्न, और 1993 में दिया जाता है दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार। तो इस तरीके से जो है हमारे नोबेल प्लस भारत वाला भी डाटा जो है कंप्लीट होता है। ये सारे प्रश्न है दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि पहले गैर भारतीय कौन है, ये आपका हो जाएगा एक क्वेश्चन, उसके बाद नोबेल प्लस भारत रत्न दोनों पाने वाले व्यक्तियों की संख्या, या ऐसे कुल कितने भारतीय हुए हैं ना, तो 3, और यदि हम टोटल की बात कर दें कि टोटल कितने लोग हुए हैं, तो इनकी संख्या है 4। फिर अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा एक और इंपॉर्टेंट पहलू है वो है राष्ट्रपति, कि अब तक कुल यानी इन 48 लोगों में कुल कितने हैं जो राष्ट्रपति रहे हैं या राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हैं, और उन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। तो दोस्तों
ऐसी कुल संख्या है 6, यानी कि कितने राष्ट्रपति हुए हैं, 6 राष्ट्रपति हुए हैं दोस्तों, जिन्हें क्या मिला है, भारत रत्न प्रदान किया गया है। अच्छा, सबसे पहले नाम तो होना चाहिए कि भाई राधा कृष्ण, 1954 में इन्हें भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन आप समझिएगा, इनके विषय में हमने देख भी लिया है कि भाई ये राष्ट्रपति पद पर पहुंचने से पूर्व ही भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर कब पहुंचे दोस्तों, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और इन्हें 1962 में इन्हें जो है क्या दिया गया, भारत रत्न प्रदान किया गया। अच्छा, ये प्रथम, इनके विषय में डाटा आप समझिएगा क्या क्या है, प्रथम राष्ट्रपति, साथ ही साथ में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त करता, पद पर रहते हुए। ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा पहला केस है। इसके पहले दोस्तों नेहरू जी भी पद पर थे, पद पर रहते हुए ही उन्हें भी भारत रत्न प्रदान किया गया। तो वो हम देखेंगे, राष्ट्रपति के बाद हम आएंगे नेहरू, मतलब प्रधानमंत्री वाली लिस्ट में आएंगे कि भाई ऐसे कितने पीएम हुए हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो अब बात की जाए दोस्तों, तो हमारे पास जब राष्ट्रपति की बात की जाए, तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद दोस्तों दूसरा नाम आता है राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जी के विषय में आप समझिएगा, सेकेंड राष्ट्रपति रहे हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति थे, और जैसे ही राजेंद्र प्रसाद जी अपने पद से मुक्त होते हैं, वैसे ही राधाकृष्णन क्या होते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो ये कौन थे, सेकंड राष्ट्रपति। फिर बात की जाए दोस्तों थर्ड नंबर, जाकिर हुसैन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, वो ये है कि ये जो क्रम है, राजेंद्र, राधा और जाकिर हुसैन, यह क्रम आपके पॉलिटी सेक्शन में आप पढ़ेंगे। राष्ट्रपतियों को जब आप क्रम से पढ़ेंगे, क्रम से अध्ययन करेंगे, तो आप ये चीजें देखेंगे। फिर बात की जा रही दोस्तों जाकिर हुसैन की, जाकिर हुसैन कौन होते हैं, तो प्रथम मुस्लिम है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम है जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, यानी कि प्रथम मुस्लिम जिन्हें भारत रत्न मिला या भारत रत्न प्राप्त करता, पहले मुस्लिम कौन, तो जाकिर हुसैन। साथ ही साथ में दोस्तों इनके विषय में आप बात को समझिएगा, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पर है ना, पहले दूसरे तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, तो ये सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे और थर्ड राष्ट्रपति थे, तीसरे नंबर पर थे ये राष्ट्रपति के क्रम में। अब बात करते हैं दोस्तों हम वीवी गिरी जी की, यानी कि वराह वेंकट गिरी। इन्हें कब दिया गया, इन्हें दिया गया 1975 में। अच्छा, यहां आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हुसैन, हुसैन दोस्तों तीन शब्द आते हैं, 1, 2, 3, या फिर हुसैन में सैन्य आता है और सेनाएं हमारी मुख्य तौर पर तीन। ठीक है, तो यहां हमने याद रख लिया कि 1963 लास्ट में इनके में तीन आएगा। वीवी गिरी, वेंकट गिरी, 1975 में दोस्तों इन्हें जो है भारत रत्न प्रदान किया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये कि भाई ये कौन थे, चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। तो हमने चार राष्ट्रपति क्रम से देख लिए। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट जो होगा राष्ट्रपति, वो हमें पता है भाई, हमने पहले ही देख लिया 2019 में प्रणब मुखर्जी, जो कि 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, है ना। तो प्रणब मुखर्जी भी एक इंपॉर्टेंट पहलू हो जाएगा, 2019 में इन्हें दिया गया। और फिर इसके बाद बीच में जो है वो कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें 1997 में भारत रत्न प्रदान किया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ही मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन थे, किस क्रम के राष्ट्रपति थे दोस्तों, तो ये थे 11वें नंबर के राष्ट्रपति, जो कब से लेके कब तक थे, तो 2002 से लेके 2007 तक। तो ये हुई दोस्तों राष्ट्रपति की जो है संख्या की, कुल कितने राष्ट्रपति। देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा भाई कि कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किया गया, तो 48 में से 6। कितनी महिलाएं, तो 48 में से 5। ठीक है, कितने लोगों को नोबेल प्लस भारत दोनों मिला, तो 48 में से 4। और फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों, कितने विदेशी या गैर भारतीय, तो 2। और बात की जाए कि प्रारंभ में कितनों को मिला, तो 3। और अभी लास्ट में लेटेस्ट तो कितने, 3। अब इसके आगे दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री की लिस्ट की, कि भाई कितने प्रधानमंत्री हुए जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, और उसके बाद कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तब तक दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्रॉपर तरीके से, और नोट्स जरूर बनाइएगा, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं हम पीएम की। पीएम 48 में से हम ये देखेंगे कि भारत रत्न जो 48 लोगों को दिए गए, इसमें से कौन कौन से हमारे प्रधानमंत्री थे, किस किस प्रधानमंत्री को जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्रम से। यदि हम बात करें सबसे प्रथम की दोस्तों, तो नेहरू जी हैं। नेहरू जी को सर्वप्रथम 1955 में, 1955 में भारत रत्न प्रदान किया गया। और इसके बाद बात की जाए दोस्तों, तो अगले हैं हमारे शास्त्री जी, 1966, जो कि प्रथम मरणोपरांत भी हैं। इनके बाद इंदिरा गांधी जी की रैंक आती है। इंदिरा गांधी जो है थर्ड हैं, तीसरे पीएम हैं, है ना, तीसरी महिला या प्रथम महिला, ये क्रम से तीसरे पीएम पे, है ना। फिर इसके बाद 1971 इनका समय है जब इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। फिर राजीव गांधी की यदि हम बात करें, तो राजीव गांधी हैं, 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। मुरारजी देसाई 1991, गुलजारी लाल नंदा 1997, और अटल बिहारी वाजपेयी 2015। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों,
पहली बात तो ये टेबल आपके पास हो, आप इन्हें लाइन से लिख लीजिए। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमारे जो प्रश्न बनने हैं वो कैसे, हम पहले ये देखें दोस्तों। तो हमारे प्रश्न जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस हिसाब से होगा कि निम्नलिखित में से किस पीएम को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, या किसे भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो अभी ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हमें पता होना चाहिए। हालांकि मैं आपको पहले ही सूचित कर दूं कि जब आप संविधान पढ़ेंगे, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रधानमंत्री की पूरी लिस्ट होती है, ठीक है, ठीक ऐसे ही राष्ट्रपतियों की लिस्ट होती है। तो दोस्तों देखें, दरअसल में यह जो टॉपिक है भारत रत्न या कोई भी अवार्ड, यह विविध का सेक्शन है। और विविध में क्या होता है, सभी विषयों का आपका समाहार होता है, ठीक है। अगर आपको संविधान का नॉलेज है, ठीक ठाक पकड़ है, तो आपके ये आधे से ज़्यादा नाम ऐसे ही याद हैं आपको, है ना। तो भाई अब हम आगे देखते हैं कि आगे की कड़ी में क्या होने वाला है। तो अब इसके बाद दोस्तों, है ना, इनकी जो है कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, कुछ ना कुछ इनके विषय में है। अब उसका अध्ययन हम कहाँ पर करेंगे, तो वो करेंगे हम संविधान वाले सेक्शन में। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, नेहरू जी, नेहरू के बाद शास्त्री, शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि कुल कितने हो गए, 7। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि जो गुलजारी लाल नंदा नाम हम देख रहे हैं, ये दरअसल में कार्यवाहक पीएम थे, ये दरअसल में कार्यवाहक पीएम थे 2 दफ़ा। चलिए ठीक है दोस्तों, इनके बाद हम चर्चा करते हैं अपने, अब हमें क्या अध्ययन करना है भाई। तो 48 जो थे, कुल 48 लोगों को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया। इन 48 में से दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं कि और हमारे लिए कौन कौन से नाम महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो अगले हैं दोस्तों इसी कड़ी में अपन देखेंगे कि विश्वेश्वरैया, ठीक है। या अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि भाई आप लूसेंट ओपन कर लें। क्यों ओपन कर लें मैं आपसे बताता हूँ। दरअसल मैं हम अपने इस पूरे भारत रत्न की श्रृंखला के अब अंतिम पड़ाव पर हैं, जहाँ पर आपका लूसेंट में टेबल नंबर 43 दोस्तों, आप 43 नंबर ओपन करेंगे, वहां पर पूरी लाइन दी हुई होगी, पूरे पूरी सूची दी हुई होगी लाइन से, है ना, सारे नाम हैं। मैं आपको कुछ नाम देख करके, पढ़ करके और महत्वपूर्ण जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, आप बढ़िया टिक करते चले जाइएगा, नोट्स में भी आप ऐड करते चले जाइएगा। जैसे कि अगर हम बात करें विश्वेश्वरैया जी की, MV इनका जो है मोक्ष गुंडम, MV जो है इनका क्या है, शॉर्ट एक नेम है, ठीक है, MV नाम से पुकारा जा रहा है, 1955। अब देखते हैं कि हमें कितने याद हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है 1954, आप ओपन कर लें बढ़िया से इस पुस्तक को, लूसेंट को, लूसेंट हमारी माता है। तो 1954 में दोस्तों सबसे पहले 3 लोगों को, RRR, राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बाद आते हैं दोस्तों राजगोपालाचारी, और उनके बाद कौन है, तो रमन, ये हमारा होगा 1954। 1954 के बाद दोस्तों इस बुक में दिया हुआ 1955 के 3 नाम, डॉक्टर भगवान दास, ठीक है, फिर MV मोक्ष गुंडम, विश्वेश्वरैया, और एक और है हमारे जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए बात को समझिए, नेहरू का तो अब हमने पढ़ ही लिया भाई, नेहरू जी का कि 1955 है ना, तो मोक्ष गुंडम, विश्वेश्वरैया भी 1955 में है, ये भी थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। भगवान दास उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है विश्वेश्वरैया का। क्यों? क्योंकि ये इनका भी जो क्षेत्र है वह विज्ञान है, पहली बात। दूसरी बात, अभियंता दिवस ही इन्हीं के उस पर सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, अभियंता है ये, एक इंजीनियर, तो आप ये एक नाम नोट कर सकते हैं। इनके बाद दोस्तों बात की जाए विनोबा भावे की, 1983, लेकिन हम अपनी टेबल से आगे बढ़ते हैं, अगली कड़ी में हम देखते हैं दोस्तों। तो 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, उतने महत्वपूर्ण नहीं, धुंधो केशव धर्वे, सॉरी करवे, तो ये 1958, ये भी जो है अभी फिलहाल हम इनका अध्ययन आगे करने वाले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हम पढ़ चुके हैं। अब इस कड़ी में, इस टेबल में कौन महत्वपूर्ण है, तो अब इस टेबल में दोस्तों महत्वपूर्ण है विनोबा भावे। विनोबा भावे का अध्ययन जो है हमने महान कार्यों से संबंधित जो भी हमने एक श्रृंखला पढ़ी है विविध के अंतर्गत ही, वहाँ हमने इनकी चर्चा की हुई है दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से ये वीडियो देख करके और क्या कर सकते हैं, इनके विषय में गहनतम अध्ययन कर सकते हैं। अभी फिलहाल दोस्तों विनोबा भावे जी के विषय में हम देखें तो 1983 में जो है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे जी, 1983 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। फिर दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट हमारे लिए बी आर अम्बेडकर, आप वो जो टेबल है उसमें आप क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए। बी आर अम्बेडकर आपको मिलेंगे 1990 में दोस्तों, इन्हें नेल्सन मंडेला, मंडेला जी के साथ में जो है इन्हें क्या किया गया, भारत रत्न दिया गया। फिर दोस्तों JRD टाटा एक इंपॉर्टेंट नाम है 1992, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 और JP नारायण 1998। इनके बाद दोस्तों एक और नाम इंपॉर्टेंट है, गोपीनाथ वारदोलाई, ठीक है, 1999। गोपीनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दरअसल में दोस्तों ये असम के CM रहे हैं, ठीक है, असम के CM ये रहे हैं कब, 1946 से लेकर के 1950 तक, 1946 से 1950 तक।
अब महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बात को समझिए आप, 1946 के बाद ही आता है 1947 जब भारत का विभाजन हुआ। तो असम, जब विभाजन के दौरान असम को भारत से जोड़ के रखने में जो मुख्य भूमिका थी वो इन्हीं की थी, गोपीनाथ बारदुलाई की। फिर इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं 2015 में इन्हें भी दिया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात यह रही है दोस्तों, समझिएगा इसमें, अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो ये है कि भाई इनके क्षेत्र, मैंने आपसे कहा कि क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें, हम तो भाई जहाँ तक संभव हुआ हमने आपके सामने कंटेंट को रखा, अब अगला जो है वो है क्षेत्र। पहली लड़ाई काम काम के बिंदु निकाल लें, दूसरी लड़ाई कि भाई हम हमारे जो है इस पढ़ाई में, दूसरा हमारा काम ये है कि भाई अब इनमें से जो भी किसी न किसी चीज़ के कुछ ना कुछ फैक्ट हैं उनको पकड़ लें, और अब जो तीसरा काम हमारा है वो ये है इनका क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्रों से प्रश्न है। और PCS परीक्षाओं में तो दो भाग से बहुत ज़्यादा प्रश्न है। पहला, मैंने पहले भी चर्चा की है कि भाई पहला किससे, पहला इनके नाम को लेकर के कि कौन भारत रत्न प्राप्त करता है और कौन नहीं है, और दूसरा इनके क्षेत्र। तो फटाफट दोस्तों एक बार फिर से हम टेबल पे चलते हैं अपने उसी पुस्तक के, और उस सीरीज में हम चर्चा करते हैं इनके क्षेत्रों को लेकर के। तो देखें, मैं आपके सामने कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र रख रहा हूँ, है ना, बस आप उन क्षेत्रों को याद रखें। मतलब याद क्या रखें, मतलब आप सिर्फ मेंशन करें कि भाई इस व्यक्ति का क्षेत्र थोड़ा सा अलग है, और बाकी सभी का क्षेत्र दोस्तों समाज सेवा, बाकी सभी का समाज सेवा। जैसे एग्जांपल के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, दार्शनिक। फिर बात की जाए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो फिर समाज सेवा। फिर बात की जाए वेंकट रमन, तो रमन इफेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, विज्ञान। फिर इसके बाद भगवान दास दोस्तों, ब्रह्म विद्या, ठीक है, ब्रह्म विद्यावादी हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भाई अभियंता है, तो विज्ञान। फिर जवाहरलाल नेहरू, समाज सेवा। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, समाज सेवा। धुंधो केशव कर्वे, समाज सेवा। और फिर वीशी राय, विधान चंद्र राय, तो ये चिकित्सा, ठीक है। फिर इनके बाद दोस्तों हम बात करते हैं विधान चंद्र राय के बाद, यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अब जितने हैं, जितने नाम आपके लाइन से हैं जो भी उस पुस्तक में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, वीवी गिरी, है ना, कामराज, मदर टेरेसा, विनोबा भावे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सभी दोस्तों लाइन से जो नाम है ये सभी समाज सेवा क्षेत्र से हैं। और अब जो इसके बाद जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे कला से संबंधित हैं, और APJ अब्दुल कलाम जब आप नीचे जाएंगे उसी टेबल में तो आप पाएंगे, तो विज्ञान से संबंधित हैं APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, हमने अध्ययन किया है इनका, है ना। फिर इसके बाद दोस्तों बाकी जो भी हैं हमने अध्ययन कर लिया है, सचिन तेंदुलकर, खेल क्षेत्र। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं भूपेन हजारिका को भी हमने देखा हुआ है, कला। और सचिन तेंदुलकर के साथ दोस्तों एक और नाम इंपॉर्टेंट है, CN राव। CN राव जो है इन्हें भी सचिन के साथ 2014 में दिया गया, और इनका क्षेत्र है विज्ञान में, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गए। अब आपको एक मोटे तौर पर अंदाजा है, मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति आती है कि भाई चार ऑप्शन है और आपको चयनित करना है कि निम्नलिखित में से किसका कौन डिफरेंट है ना, अलग अलग कौन है भाई, तो बाकी सभी समाज सेवी हैं ये क्लियर है, और बाकियों के नाम आपके सामने हैं उनके क्षेत्र के साथ। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ठीक है। अंतिम जो है घड़ी आ चुकी है हमारे इस भाग की, इस वीडियो की, और भारत रत्न हमारा दोस्तों समापन की ओर है। यहाँ पर अब हम जो है चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण तथ्यों से तात्पर्य है दोस्तों, जो ये प्रश्न है जितना हमने अध्ययन किया इसे हम एक समग्र रूप में देखते हैं लास्ट में, और फटाफट इसका एक रिवीजन के तौर पर और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ हम देखते हैं इन्हें प्रश्न के रूप में दोस्तों। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों में कुछ प्रश्नों को लेकर के, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है ना, अब ये प्रथम, अब प्रथम में दोस्तों क्या प्रश्न है कि भाई प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। पहले वैज्ञानिक कौन है, तो भाई पहले वैज्ञानिक है रमन, CV रमन, ये भी हमारा क्लियर है। पहला मरणोपरांत, फर्स्ट मरणोपरांत शास्त्री जी 1966, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों बात की जाए PM, पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, ये भी हमने देख लिया 1955। और फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों पहली महिला, तो पहली महिला आ जाए या पहली महिला प्रधानमंत्री आ जाए दोस्तों, इसका आंसर कौन जा रहा है, इंदिरा गांधी 1971। इनके बाद दोस्तों बात की जाए राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट 1962, ठीक है, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देख लीजिएगा आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों पहली गायिका या संगीतकार करके आएगा, तो दोनों के आंसर दोस्तों कौन जाएगा, MS सुब्बा लक्ष्मी। और हमने पांच प्रमुख जब महिलाएं, टोटल 48 में से जब हमने पांच महिलाएं देखी तो वहां पर हमने इनका नाम देखा था और इनकी चर्चा की थी। इसके बाद दोस्तों बात की जाए विदेशियों में कि भाई पहले विदेशी या पहले गैर भारतीय, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और फिर इनके बाद अब भी हमने चर्चा की रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न, मतलब भारत रत्न रसायन के क्षेत्र में, तो CN राव, ठीक है।
इनका दोस्तों पूरा नाम है चिंतामणि करके है, चिंतामणि राव, ठीक है, और सचिन के साथ। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला फैक्ट है अंतिम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, अंतिम अंतिम दोस्तों हमें पता है 2019 में अंतिम दफा तीन लोगों को दिया गया और प्रारंभ में भी तीन में दिया गया था, इसकी चर्चा हमने की हुई है पहले ही। तो इस अंतिम में ही हमने देखा है दोस्तों कि हमारे 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हैं 2019 में उन्हें दिया गया है और हाल ही में उनकी मृत्यु भी हुई। तो ये आपका अंतिम राष्ट्रपति मुखर्जी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों अंतिम प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो अंतिम प्रधानमंत्री हमारे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही महत्वपूर्ण 2015 में इन्हें प्रदान किया गया भारत रत्न। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यदि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में भी डेप्थ से अध्ययन करना चाहते हैं तो विविध में समाधि स्थल में इनके विषय में बहुत ही डेप्थ से वर्क किया गया है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं खेल के क्षेत्र में पहला भारत रत्न जो प्रदान किया गया है वो किसे, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को दोस्तों वर्ष 2014 में, और हमने इसका अध्ययन भाग एक में भी किया हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एकमात्र खिलाड़ी करके पूछ लिया जाए तो भी इसका आंसर सचिन है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कम उम्र में, बहुत ही यंगर थे, है ना, मतलब भारत रत्न जो जिन जिन लोगों को प्रदान किया गया है यदि हम उनकी चर्चा करें तो सचिन तेंदुलकर जो है दोस्तों महज 40 वर्ष की उम्र में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सबसे युवा या सबसे कम उम्र, तो साथ ही साथ में एक क्वेश्चन बिल्कुल निहित है कि भाई सबसे उम्रदराज व्यक्ति यानी कि सबसे अधिक उम्र में किसे प्रदान किया गया, तो वो है धुंधो केशव कर्वे 1958 में। दोस्तों इनके विषय में हमने भाग एक में भी अध्ययन किया था कि भाई पहली बार जो है ऐसा समारोह जब हम क्या कर रहे हैं कि भारत रत्न प्रदान करना है तो हम एक समारोह मतलब एक समारोह आयोजित किया जाता है जो कि कहाँ पर होता है, तो राष्ट्रपति भवन में होता है, लेकिन पहली बार दोस्तों दिल्ली से बाहर किया गया था महाराष्ट्र में सिर्फ किसके लिए, तो वो था धुंधो केशव कर्वे जी को भारत रत्न प्रदान करने के लिए, जो कि कहां पर था ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, आपको उस स्टेडियम का नाम बताना है जहां पर ये समारोह आयोजित किया गया था। फिर दोस्तों इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तक कुल कितने राष्ट्रपतियों को, तो दोस्तों इसके पहले कुल कितने भारत रत्न दिए गए हैं, तो 48, और कितने राष्ट्रपतियों को, तो राष्ट्रपतियों की संख्या है 6। फिर बात की जाए महिलाओं की दोस्तों, तो महिलाओं की संख्या है 5। और मरणोपरांत दोस्तों 1955 में रूल थोड़े से चेंज करके नियमों जो उनके प्रावधान है उसमें संशोधन किया गया, और फिर उसके बाद जो पहला दिया गया वो दिया गया 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को, और अंतिम 2019 में दिया गया तीन लोगों को दिया गया था दोस्तों, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ प्रणब मुखर्जी हैं जिन जो जीवित अवस्था में थे, बाकी जो दो हमारे अन्य हैं नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, दोनों को दोस्तों जो है मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्या है इसके विषय में हम अगला प्रश्न देखते हैं तो हमारा क्लियर होते चला जाएगा। तो दोस्तों अगला इसके बाद है कि भाई किस ऐसा पहला केस कब हुआ जब भारत रत्न जो है घोषित करके मरणोपरांत और वापस, तो ऐसी स्थिति थी 1992 में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई किसने विरोध किया भारत रत्न का, विरोध दोस्तों किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन्होंने क्यों विरोध किया था इसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा प्रश्न हो सकता है कि भाई किस पार्टी ने इसे बंद किया कुछ समय के लिए, तो पार्टी जो थी दोस्तों वो थी जनता पार्टी। 1977 का वह दौर जब कांग्रेस की पार्टी जाती है और जनता पार्टी सत्ता में आती है, और इन्होंने सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, तो ये जितने भी नागरिक पुरस्कार हैं इन्हें सस्पेंडेड कर दिया था, इन्हें कुछ समय के लिए बंद किया था, और 1980 में पुनः जब कांग्रेस पार्टी आती है तो फिर से उन्होंने क्या किया, इस निलंबन को रद्द कर दिया और या फिर या बहाल कर दिया, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा भारत रत्न का टॉपिक पूरा होता है आज कंप्लीट। देखिए आप बात को समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मानव के द्वारा भूल हो सकती है, निश्चित तौर पर होती है, और यह मानवीय भूल हो सकती है कि कोई फैक्ट थोड़ा सा मिस हो गया हो, तो उम्मीद है आप उसे थोड़ा सा बैलेंस बनाएंगे, आप अपने अन्य रिसोर्सेज के माध्यम से उसे करेक्ट कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो ये है कि भाई आपको क्या काम करना है, नोट्स जरूर प्रॉपर बनाते रहना, है ना, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, और अंतिम जो बात है वो ये है कि भाई यहाँ पर भारत रत्न लगभग समाप्त हो रहा है, लेकिन मैंने फिर से रिपीट किया कि लगभग, लगभग का मतलब दोस्तों ये होता है कि चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रश्न हैं, वो निरंतर बनते चले जाते हैं, पता नहीं कल के दिन क्या क्वेश्चन पूछ ले इसी भारत रत्न से, तो फिर हमारी जो अप्रोच होगी पढ़ने की वो उस स्तर पर होगी। तो अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों उस लिहाज से तो सारे प्रश्न आपके इन तीन वीडियो के माध्यम से कवर हो चुके हैं। इसके बावजूद दोस्तों यदि कुछ रह जाएगा, कुछ भी बचेगा, या आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें यदि देखने मिला कि कुछ और जो आयाम है प्रश्न पूछने के वो देखने मिले, तो हम जल्द ही इसका एक और भाग लेकर के आएंगे जो अतिरिक्त
तथ्यों के तौर पर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो यदि दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।